हाय गाइस, दिस इज मनु रेगल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आज हम सीखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास स्पोकन की। एंड स्पोकन में हमने लास्ट क्लास में कई सारे स्ट्रक्चर्स सीखे थे, जिसमें एक्शन नॉन एक्शंस की बात की थी। और आज फिर से हम बात करने वाले हैं एक्शंस की, और एक्शन के साथ साथ उस चाहत की जो हमेशा हमारे दिल में रहती है। हम अपनी चाहत को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी चाहत को कैसे बोल सकते हैं, राइट? तो जानते हैं चाहत के लिए हमारे पास वर्ड आता है वॉन्ट। लेकिन वॉन्ट की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुरुआत करते हैं। वॉन्ट, चाहत। तो जब भी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कोई ख्याल आता है और उस ख्याल को मैं बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये काम है। चाहत की हम बात करते हैं तो चाहत के लिए वॉन्ट वर्ड आता है। अब चाहत की मैं बात करता हूं, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, तुम चाहते हो, यू वॉन्ट, वह चाहता है, ही वॉन्ट्स, लड़की है तो शी वॉन्ट्स, हम चाहते हैं, वी वॉन्ट। तो वॉन्ट की हमने बात की, चाहत की हमने बात की। जब चाहत की बात करेंगे तो अब इसमें दो तरह के सेंटेंसेस आते हैं, एक एक्शन, दूसरा नॉन एक्शन। अगेन, एक्शन मतलब जिसमें काम होगा और नॉन एक्शन मतलब जिसमें काम नहीं होगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? नॉन एक्शन की। तो पहले हम बात करते हैं नॉन एक्शन की। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, मैं आपको चाहता हूं, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। मैं एक मोबाइल फोन चाहता हूं, आई वॉन्ट अ मोबाइल फोन। मैं एक पेन ड्राइव चाहता हूं, आई वॉन्ट अ पेन ड्राइव। तो मैं यहां ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं पेन ड्राइव खरीदना चाहता हूं, मैं पेन ड्राइव मांगना चाहता हूं, मैं पेन ड्राइव क्या करना चाहता हूं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पेन ड्राइव चाहता हूं, दैट मींस नॉन एक्शन की। Right, so I want a pen drive, I want mobile phone, I want remote, I want automatic car, right? So I want, मैं चाहता हूँ, right? अगला हम बात करते हैं negative। जब negative की हमें बात करनी है तो हम बात करेंगे I don't want, मैं नहीं चाहता हूँ, right? तुम नहीं चाहते, you don't want, वह नहीं चाहता, he doesn't want, लड़की है तो she doesn't want। तो हमें जैसे हमने लाइफ में यूज किया था do not और does not को यूज किया था नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो उसी तरह से हम यह करने वाले हैं। मैं चाहता हूं, ये बात कहां की है? लाइफ की है। और मैं लाइफ में चाहता हूं, प्रेजेंट में चाहता हूं, आई वॉन्ट यू इन माई टीम, मैं आपको मेरी टीम में चाहता हूं, राइट? आई वॉन्ट यू इन माई टीम। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कन्फर्म। जब कभी मेरे दिमाग में कोई बात आती है और उसे मैं कन्फर्म करना चाहता हूं, सो डू यू वॉन्ट, नो आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता। Does he want? No, he doesn't want. मैं नहीं चाहता। So I want, मैं चाहता हूँ, I don't want, मैं नहीं चाहता। क्या आप चाहते हो? Do you want? No, I don't want, मैं नहीं चाहता। Right? तो यहाँ ये हमने बात की non action की। तो non action में हम किसी भी चीज के लिए बात कर सकते हैं। मैं ये किताब चाहता हूँ, I want this book। मैं notes चाहता हूँ, I want notes। मैं आपके notes चाहता हूँ, I want your notes। मैं आपकी साइकिल चाहता हूँ, I want your cycle। मैं आपकी बाइक चाहता हूं, आई वॉन्ट योर बाइक, राइट? तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं चाहत की, लेकिन चाहत में हम काम करेंगे, राइट? सर, चाहत में जब मैं काम करूंगा सो आई वॉन्ट और टू हम लगाएंगे, और टू लगाने के बाद एक्शन फर्स्ट लगाएंगे। सो बोलिए आई वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट, बोल दीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, आई वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट, आई वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट, आई वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट। मैं चाहता हूं, राइट? सो आई वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं सोना चाहता हूँ, I want to sleep। मैं आराम करना चाहता हूँ, I want to take rest। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, I want to speak English। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, I want to help you। मैं आपसे मदद लेना चाहता हूँ, I want to take help, take support from you, right? So I want to action first। जब मैं action करूंगा, काम करूंगा। अगर तुम करोगे तो you want to action first, वह करेगा तो he wants to action first, लड़की है तो she wants to action first, हम हैं तो we want to action first। मैं चाहता हूँ, I want to action first। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, I want to speak English। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, I want to learn English। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूँ, I want to read the newspaper, right? Okay। Negative की हमने बात कर ली। अब अगेन, जब हमें कंफर्म करना है तो कंफर्म करने के लिए वापस से हमें टाइम वर्ड आगे लाना पड़ेगा। अब बोल तो नहीं गए, स्ट्रक्चर टाइम वर्ड डूअर एक्शन, टाइम वर्ड डूअर एक्शन। अब टाइम वर्ड की जब हमने बात की तो यू वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट, नो आई डोंट वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट। Does he want to action first? No, he doesn't want to action first. मैं चाहता हूँ, I don't want. मैं चाहता हूँ, I want to action first. Right? Okay. अब हम बात करते हैं कि चाहता मैं तो हूं, लेकिन अपने लिए नहीं चाहता। मैं चाहता हूं बट मेरे भाई के लिए चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी सिस्टर के लिए चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे दोस्त के लिए चाहता हूं। तो जब मैं अपने लिए चाहता हूं तो I want to action first। मैं अपने लिए ना चाहते किसी और के लिए चाहता हूं, तो मेरे साथ बोलिए I want, और मैं चाहता हूं मेरे भाई को, आई वॉन्ट माई ब्रदर। यानी मैं अपने भाई को चाहता हूं, आई वॉन्ट माई ब्रदर टू। टू उसके बाद आ जाएगा, यानी वॉन्ट और टू के बीच में हम क्या लगा देंगे?
वॉन्ट और डू के बीच में हम उस व्यक्ति का नाम लगा देंगे जिसके लिए हम चाहते हैं। सो मैं अपने भाई के लिए चाहता हूँ, आई वॉन्ट माई ब्रदर टू बिकम एन ऑफिसर, मैं अपने भाई को ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। अब मैं बनना नहीं चाहता हूँ, राइट, मैं बनाना चाहता हूँ। तो जब मैं अपने भाई को बनाना चाहता हूँ तो क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट माई ब्रदर टू बिकम एन ऑफिसर, मैं अपने भाई को एग्जाम क्वालिफाई करवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई ब्रदर टू क्वालिफाई द एग्जाम, मैं अपने भाई को एक बाइक परचेज करवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई ब्रदर टू परचेज अ बाइक, राइट। सो आई वॉन्ट माई ब्रदर, आई वॉन्ट माई सिस्टर, आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू एक्शन फर्स्ट, बोल पाएंगे? यस। नेगेटिव में बात करनी है, सो आई डोंट वॉन्ट माई ब्रदर टू बिकम एन ऑफिसर। अब जब कंफर्म करेंगे, सो डू यू वॉन्ट, मैंने सुना था कहीं से कि आप अपने भाई को बिजनेसमैन बनाना चाहते हो, मैंने सुना था कहीं से आप अपने भाई को चोर बनाना चाहते हो, क्या ये सही है? तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, सो डू यू वॉन्ट योर ब्रदर टू बिकम अ थीफ, चोर की बात हो रही है, थीफ, नो आई डोंट वॉन्ट माई ब्रदर टू बिकम ए थीफ, राइट। तो हम बात कर पाएंगे, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हमने बात किया अपने लिए, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, सो बोलिए आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू प्ले म्यूजिक, आई वॉन्ट टू प्ले पबजी, राइट, आई वॉन्ट टू डांस ऑन द फ्लोर, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, आई वॉन्ट टू गो टू मूवी, मैं मूवी देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मूवी। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अमेरिकन स्टाइल में हम वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोलते हैं वाना, क्या बोलते हैं, वाना। सो डू वाना, डू वाना, डू वाना, आई वाना, यू वाना, आई डोंट वाना, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वाना, तुम नहीं चाहते, यू डोंट वाना, वह नहीं चाहता, ही डजंट वाना। तो वॉन्ट टू को शॉर्ट में हमने क्या बोल दिया, वाना बोल दिया अमेरिकन स्टाइल में, और इसी से गाना बना था डू वाना पार्टनर, आपको याद आ गया होगा गोविंदा एंड सलमान खान का, सो डू वाना पार्टनर, हे पार्टनर, नो आई डोंट वाना पार्टनर, राइट, सो डू वाना पार्टनर, हे पार्टनर, राइट। सो आपको समझ में आ गया, आई होप कि वॉन्ट टू को हमें किस तरह से यूज करना है। चलिए अब मुझे बात करनी है वॉन्ट, चाहत, लेकिन पास्ट में, मैं चाहता था, मुझे याद है कि बचपन में मैं पायलट बनना चाहता था, मैं पायलट बनने के सपने देखा करता था, तो मैं बचपन में चाहता था पायलट बनना, लेकिन अभी नहीं चाहता, प्रायोरिटीज हैव बीन चेंज्ड, प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। तो उस कंडीशन में मैं पास्ट की बात करूँगा तो वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म हो जाए वॉन्टेड, मैं चाहता था, आई वॉन्टेड। आप कहोगे आप सलमान खान की मूवी आई थी वॉन्टेड, तो उसका मतलब क्या है, चाहना था नहीं, वॉन्टेड का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है एक व्यक्ति जिसकी तलाश है, और मोस्ट वॉन्टेड मतलब जिसकी बहुत ही ज्यादा तलाश है, राइट। सो मैं पहले पायलट बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ पायलट, राइट, मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन, मैं एक लीडर बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ लीडर, बट नाउ आई डोंट वॉन्ट, लेकिन अब नहीं चाहता, राइट। सो तुम चाहते थे यू वॉन्टेड, तुम चाहते थे यू वॉन्टेड टू बिकम, वह चाहता था ही वॉन्टेड टू बिकम, लड़की है तो शी वॉन्टेड टू बिकम। जब नेगेटिव की बात करेंगे सो आई डिडंट वॉन्ट, तो हम जानते हैं कि पास्ट में हम डिड नॉट का यूज करते हैं, और डिड नॉट के साथ एक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, तो आई डिडंट वॉन्ट, आई डिडंट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, मैं से छुटकारा नहीं पाना चाहता था, आई डिडंट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम, मैं उससे छुटकारा पाना नहीं चाहता था, पहले मैं कंचे खेलना नहीं चाहता था, आई डिडंट वॉन्ट टू प्ले मार्बल्स, पहले मैं क्लास बंक करना नहीं चाहता था, आई डिडंट वॉन्ट टू बंक द क्लास, बट अब चाहता, बट नाउ आई वॉन्ट, राइट। सो जब कंफर्म करना है तो डिड आ जाएगा आगे, डिड यू वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट, नो आई डिडंट वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस पे, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस, सेट वन आता है हमारा, डू वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट, क्या आप चाहते हो, You want to play PUBG? No, I don't want to play PUBG. But earlier, लेकिन पहले चाहता था, but earlier I wanted to play PUBG. Earlier I wanted to play video games. Earlier I wanted to go to movie. Right? So, मैंने यहाँ पे actions नहीं लिखे हैं, I hope आप actions बहुत सारे जानते हैं, उन actions को आप यहाँ practice कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको structure बताया, set बताया हमें किस तरह से practice करना है, again दो लोग चाहिए practice के लिए, एक मैं और एक आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप चाहते हो, do you want to? So, do you want to play music? क्या आप म्यूजिक बजाना चाहते हैं? नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले म्यूजिक, बट अर्लियर आई वॉन्ट टू प्ले म्यूजिक, लेकिन मैं पहले बजाना चाहता था, राइट। सो डू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? नो आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, बट अर्लियर आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, राइट। ओके, सेट टू कहता है पास्ट, तो पास्ट में मैं जाना चाहता हूँ, चाहता हूँ आपसे, डिड यू वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट, डू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? नो आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश,
पहले मैं इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, नो आई डिडंट वांट टू लर्न इंग्लिश, बट नाउ, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है मुझे लग रहा है कि इंग्लिश की जरूरत है, बट नाउ आई वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट। तो यह हमने सेट प्रैक्टिस कर ली पास्ट में। क्या पहले चाहते थे? नहीं, पहले मैं नहीं चाहता था, बट अब चाहता हूं, राइट। सो नाउ आई वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट। सो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिड यू वांट टू बंक द क्लास? नो आई डिडंट वांट टू बंक द क्लास, बट नाउ आई वांट टू बंक द क्लास, यानी क्लास भी मानना चाहता हूं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं चाहत। अगर प्रेजेंट की बात करी, चाहत की लाइफ की बात करी, तो हमने वांट का यूज किया। अगर चाहत पास्ट में बात करी तो वांटेड का यूज किया। और अगर चाहत हम फ्यूचर में बात करेंगे तो हमें क्या यूज करना है? वुड लाइक। क्या यूज करना है? वुड लाइक। मैं चाहूंगा, यानी मेरी चाहत है, मैं चाहूंगा, मैं मूवी देखना चाहूंगा, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा, मैं आपके साथ चलना चाहूंगा, मैं आपके साथ खेलना चाहूंगा, मैं आपके साथ घूमना चाहूंगा, राइट। तो मैं पसंद करूंगा या चाहूंगा, अगेन बात कहां की हो रही है? फ्यूचर की। तो जब फ्यूचर में हम चाहत की बात करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर वुड लाइक, आई वुड लाइक। सो आई वुड लाइक टू टेक द क्लास, मैं क्लास लेना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हैव समथिंग, मैं कुछ खाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हैव समथिंग कोल्ड, मैं कुछ ठंडा खाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट, मैं कुछ गर्म लेना चाहूंगा, राइट। सो आई वुड लाइक टू, और मुझे तुम्हारे लिए बात करनी है, यू वुड लाइक टू, एक्शन फर्स्ट। उसके लिए बात करनी है तो ही वुड लाइक टू, एक्शन फर्स्ट। वुड लाइक में ऐसी ये इसका कोई चक्कर ही नहीं है, राइट। सो आई वुड लाइक टू एक्शन फर्स्ट, यू वुड लाइक टू एक्शन फर्स्ट, ही वुड लाइक टू एक्शन फर्स्ट, ही वुड लाइक टू एक्शन फर्स्ट। और मैं नहीं चाहूंगा तो वुड के साथ नॉट का यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वुडंट। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू एक्शन फर्स्ट, तो वुड नॉट को शॉर्ट में दे, वुडंट। आई वुडंट लाइक टू एक्शन फर्स्ट, मैं नहीं चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, I would like to participate in the in annual function. I would like to take risk. I would like to learn English. I would like to go to movie. I would like to bunk the class. I would like to go to movie stealthily. Right. तो मैं चोरी छुपे movie देखना नहीं चाहूँगा. Right. Okay. अब हम बात करते हैं confirm. Confirm के लिए again हमारे पास वही तरीका है. तो हमें time word को आगे लाना है. Would you like to action first? Would you like to action first? Would he like to action first? Would she like to action first? Would he like to action first? क्या आप करना पसंद करोगे? क्या आप drink लेना पसंद करोगे? क्या आप smoke करना पसंद करोगे? क्या आप class bunk करना पसंद करोगे? क्या आप ice cream खाना पसंद करोगे? So would he like to have ice cream? क्या आप coffee पीना पसंद करोगे? Would he like to have coffee? क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करोगे? Would he like to go with me? So, इस तरह से हमें सेंटेंस का यूज करना है, फ्यूचर में भी हम यूज कर पाएंगे। तो चलिए एक बार वापस से कंप्लीट कर लेते टॉपिक को। पहला वांट, दूसरा वांटेड एंड तीसरा वुड लाइक। तो लाइफ में हमने बात की तो क्या बात की? वांट। और नॉन एक्शन में हम टू नहीं लगाएंगे, सीधा वो वर्ड लगा देंगे। जब हम एक्शन की बात करें तो टू प्लस एक्शन फर्स्ट हमें लगाना ही पड़ेगा, राइट। सो आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट टू एक्शन फर्स्ट, I wanted to action first, I would like to action first, right? So I hope आपको चाहत समझ में आई होगी। और चाहत अगर समझ में आ गई है तो बस लिख डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए चाहत के ऊपर, क्योंकि आपके दिल में बहुत सारे अरमान हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, आई नो दैट, राइट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस।